हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपसे अपने ये क्रोटन प्लांट के बारे में बात करूंगी। मैं बताऊंगी आपको कि मैं इसकी किस तरीके से केयर करती हूं और इसमें क्या ऐसा फर्टिलाइज़र डालती हूं जिससे ये प्लांट इतने हेल्दी बने रहते हैं मेरे। और देखिए इसकी लीव्स कितनी खूबसूरत हैं, कितनी चमकदार हैं इसकी लीव्स, ये देखिए। तो मैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊंगी आपको। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमको इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। तो मिट्टी हमको इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड बनानी है। मिट्टी में वही आप अपना एक हिस्सा गार्डन सोइल, एक हिस्सा आप कंपोस्ट मिला लीजिए और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला लीजिए। और उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड मिलाकर एक बढ़िया सी मिट्टी तैयार कीजिए आप इसकी, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड, उसमें आप इसको लगाइए। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखिए। ना तो इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग करिए, ना आप इसमें अंडर वाटरिंग करिए, ना ज़्यादा कम पानी डालिएगा। ज़्यादा पानी डालने से भी हमारे क्रोटन प्लांट की लीव्स झड़ जाती हैं फ्रेंड्स, और कम पानी डालने से भी इसकी लीव्स झड़ने लगती हैं। तो इसकी वाटरिंग का आप ख़ास ख्याल रखिए। और उसके बाद हम इसकी लाइट एंड लोकेशन की बात करते हैं। तो आपको इसको बिल्कुल शेड में नहीं रखना है, इसको कम से कम पूरे दिन की सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, धूप नहीं रोशनी मिलनी चाहिए। धूप में तो आप इसको मत रखिएगा बिल्कुल भी, उससे इसके लीव्स का कलर फेड हो जाता है। तो आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसको पूरे दिन की रोशनी मिलती रहे। धूप से पूरे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, धूप में नहीं रखना है। इस तरीके से रखेंगे आप इसको शेड में तो इसकी लीव्स के कलर बिल्कुल निखर कर आएंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। इस तरीके से इसके लीव्स के कलर बिल्कुल निखर कर आएंगे। और अगर प्रॉपरली शेड में रख देंगे हम इसको, तो फिर इसके लीव्स के कलर बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे, अभी देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ आपको मैं इसमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र डालती हूँ जिससे मेरे प्लांट इतने खूबसूरत बने रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें गोबर खाद भी डाल सकते हैं, गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद भी डाल सकते हैं। साल में दो बार डाल सकते हैं आप, एक फरवरी महीने में और एक सितंबर महीने में। और हमको इसको रेगुलर में क्या रेगुलर में जो फर्टिलाइज़र डालती हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि ये जो क्रोटन के प्लांट्स होते हैं ये एसिडिक लविंग होते हैं, एसिडिक मिट्टी इनको बहुत पसंद होती है। तो देखिए इसका एसिड लेवल हमको बढ़ाने के लिए मैं क्या डालती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे ये नींबू के छिलके, ये मैं इसमें डालती हूँ। आप इनको नींबू के छिलकों को आप पानी में भिगोकर भी डाल सकते हैं, उसका पानी इसको 2 से 3 दिन तक आप पानी में भीगा रहने दीजिए और फिर इसके पानी को आप इसमें डालिए। या फिर आप ये नींबू रहते हैं, ये नींबू का रस भी, एक नींबू का रस आप मिला लीजिए 10 लीटर पानी में, और वो भी आप अपने क्रोटन प्लांट में दे सकते हैं। या फिर सबसे सिंपल तरीका जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स ये नींबू के छिलके को मैं क्या करती हूँ, ये जो देखिए इस मिट्टी में सिर्फ ये ऐसे ही, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से दबा देती हूँ बस, ये देखिए, जिससे डीकम्पोज होता रहेगा और हमारे क्रोटन के प्लांट को इसका पूरा पोषण मिलता रहेगा बस, और कुछ भी नहीं करना है बस। ये देखिए एकदम सिंपल सा ये लिया और ये इस मिट्टी में मैंने बिल्कुल इसके ये जो तना है इससे हमको दूर ये इसको लगाना है। तो ये इस तरीके से आप इसको बस, और कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। इस तरीके को आप कर सकते हैं 15 दिन में एक बार, इस तरीके से फर्टिलाइज़र आप अपने क्रोटन के प्लांट में दे सकते हैं। तो इससे आपके क्रोटन प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, ये धीरे धीरे डीकम्पोज होता रहेगा और इससे
आपके प्लांट में चमक बढ़ेगी, आपके क्रोटन के प्लांट की चमक बढ़ेगी, इसकी लीव्स नहीं गिरेगी फ्रेंड्स, और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और आप इसमें है ना, ये आपने प्लांट को चेक करते रहिए फ्रेंड्स, उसको इस तरीके से पीछे पलटकर और इस तरीके से आप चेक करते रहिए, अगर उसमें किसी कीड़े का या फिर किसी मिली बग का अटैक होता है तो आप उसमें एक अच्छा सा या तो घरेलू आप पेस्टिसाइड बना लीजिए या फिर मार्केट से मिलते हैं वो ले आइए, उससे आप अपने प्लांट में, अगर आप बाहर से ला रहे हैं केमिकल वाला तो फिर आप इसमें 8 दिन में 10 दिन में एक बार आप इसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव कीजिए, या अगर आप घर में बना रहे हैं तो फिर वो इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, घर में बने हुए का आप 2 से 3 दिन में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने क्रोटन प्लांट की केयर कीजिए फ्रेंड्स, देखिए इससे आपके क्रोटन के प्लांट बहुत ही खूबसूरत बने रहेंगे, बिल्कुल सिंपल है इसकी केयर, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।